टाइम से ही आपने सुन रखी है कि नॉलेज इज पावर, क्यों राजीव जी सुनी हुई है ना, नॉलेज इज पावर। उसके बाद एक कंसेप्ट, एक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, कि नॉलेज तब पावरफुल बनती है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है। परंतु आज की डेट में 2020 में ये थोड़ा अलग हो चुका है, इसको यूं बोला जाता है नॉलेज इज प्रॉफिट। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की डेट में सभी लोग जो है वो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या मीडिया हो या किसी तरह की कोई जिसे बोलते हैं मीडिया के थ्रू जो नॉलेज ले रहे हैं वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमको भी जो है अभी लॉकडाउन के बाद हमारे पास एक उपाय रह गया है कि हमको घर में बैठ के नॉलेज लेनी है और घर में बैठ के वो काम करना है जो हम पहले नहीं कर पाए। और दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोग जो है घर में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, ज्वाइनिंग जो है बहुत आसान हो चुकी है, ऑर्डरिंग बहुत आसान हो चुकी है, डिलीवरीज हो रही हैं, अभी मुंबई RDO में आप पिकअप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और 8 तारीख के बाद जो है वो काफी कुछ और फैसिलिटीज होंगी। तो ये बेस्ट टाइम है, एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि बेस्ट टाइम है काम करने का। तो आज की शुरुआत करते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोबारा। आई वेलकम यू ऑल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, नाउ द थिंग इज, ये कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हम हैं कौन, इसको जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों जितनी बार हम पढ़ते हैं इसको या जानने की कोशिश करते हैं, हमको ये लगता है कि शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इतना बड़ा होगा, जो 1978 से काम कर रहा है, जो बिल्कुल जिसको जिसने बहुत ज्यादा एक फॉरएवर में एक $multi-billion जो एक कंपनी बन चुकी है आज की डेट में, जो एक स्टार्ट हुई थी, एक हम्बल स्टार्ट हुई थी। और मैं पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था रेक्स वॉन्स साहब के बारे में, जब इन्होंने शुरू किया था 1978 में, तो उनके पास ना मतलब एक एस्टेब्लिश बिजनेस था, वो रियल इस्टेट में थे, रियल इस्टेट में एक बहुत बड़े आइकॉन थे, वो बहुत एस्टेब्लिश बिजनेस था उनका। परंतु उन्होंने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया, एक नए शुरुआत की, एक नए सिरे से शुरुआत की, इतना बड़ा एक तरीके से जोखिम उठाया। और सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि जिस तरह का पैसा, जिस तरह का आराम, जिस तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं, संसार के करोड़ों लोग उसको जिए, तो उन्होंने जो है ना आज की डेट में बहुत से करोड़ लोगों की जो है जिंदगी बदल चुके हैं। और ये जो है इसको इन्होंने एक बेस बनाया कि वेलबींग कैसे हो, अंदर और बाहर से हम कैसे सुंदर दिखें, हम किस तरीके से स्वस्थ रहें, हम किस तरीके से लोगों को स्वस्थ करें, इस तरीके की एक इनोवेशन को लेके उन्होंने ये काम शुरू किया। और आज जो है ये जो हमारी सफलता है दोस्तों, वो शायद ही किसी के पास होगी, जो फॉरएवर कंपनी के पास जो सफलता है, क्योंकि सफलता इस पे नहीं डिपेंड करती कि लोग कितना पैसा कमाते हैं, सफलता इस पे डिपेंड करती है कि लोग कितने खुश हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो दिल से फॉरएवर करता है, खुशी से फॉरएवर करता है, और वो एक होप के साथ जी रहा है कि वो भी वो सब ऊंचाइयां छुएगा जिसकी वो उम्मीद लेके यहाँ पे आया। तो नेक्स्ट सर, हम देखेंगे कि एलोवेरा हमारा जो हमारी जो कंपनी है। नेक्स्ट राजीव, तो हम करते क्या है दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, 1978 से काम कर रहा है, तो हम करते क्या है, क्यों ये मैनेजमेंट जो है वो इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाया है। हम उस इंडस्ट्री में हैं, उस वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, जिसके फ्यूचर के बारे में पॉल ज़ेन पिल्सनर ने 2001 में लिख दिया था। 2001 में उन्होंने लिखा थी, एक बुक लिखी थी बड़ी अच्छी, वेलनेस रेवोल्यूशन उन्होंने लिखी थी। और वो उस लेवल के आदमी हैं कि वो अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट्स के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके थे। तो उन्होंने एक लिखा था कि भाई 10 साल के बाद एक रेवोल्यूशन आएगी, पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आएगी, और उस रेवोल्यूशन का नाम है वेलनेस रेवोल्यूशन। और आज अगर आप देखें 2020 में, जबकि हम एक लॉकडाउन में हैं, हम जो है एक तरीके से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आज की डेट में जो वेलनेस इंडस्ट्री है और जो FMCG है, ये 2 ही इंडस्ट्री काम कर रही है। ये वेलनेस इंडस्ट्री लोग जानते हैं इसको केमिस्ट की शॉप से या डॉक्टर्स के संदर्भ में, पर अगर आप केमिस्ट की शॉप भी देखो आज की डेट में, तो उसमें क्या बिक रहा है ज्यादा, उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं बिक रहे हैं, उसमें लोग चवन प्राश लेने जाते हैं, उसमें लोग जो है वो कायम चूर्ण लेने जाते हैं। कहने का मतलब लोग एक मेडिसिन से भी हटके एक
सप्लीमेंट्स के जो उनकी सेहत को अच्छी रख सके उसके ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्यों किया ये कि सबसे बेस जो था वो ये था कि हमने ये काम हम खुद ही करते हैं, किसी दूसरे से नहीं कराते। हमारे अपने खेत हैं जो कि 6000 एकड़ जमीन है, हमारी प्लांटेशन है और ये फिनिक्स एरिजोना में है और हमारी ये डोमिनिकन रिपब्लिक्स में हमारी बहुत बड़ी लैंड है जो कि 6000 एक तरीके से एकड़स की लैंड है। तो हम आज की डेट में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, सबसे बड़े ग्रोअर हैं, प्रोड्यूसर हैं और हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलोवेरा के और बी हाइव प्रोडक्ट्स के। बी फार्म से जो भी मिलता है वो हमारे स्पेन में है, उसको हम करते हैं और हमारा फुल कंट्रोल है। हम ये नहीं कि हम किसी से काम कराते हैं, कहने का मतलब फील्ड हमारे अपने हैं। जब ये पौधे पक जाते हैं पूरी तरह से, उसमें गुणवत्ता आ जाती है तो उसको हम काटते हैं, बड़े आराम से उसको हाथ से काटा जाता है, उसका जेल निकाला जाता है, जेल को फिर कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको बिना समय खोए उसको स्टेबलाइज किया जाता है। ये स्टेबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेचुरल है और सिर्फ हमारे पास है। उसके बाद ये प्लांट में चला जाता है और फिर इसकी जो रिफिलिंग होती है, रिफिलिंग के बाद जो है अलोवेरा से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, हमने स्किन केयर के, हेयर केयर के, हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और फिर जाके ये प्रोडक्ट जो है उसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी हम खुद करते हैं। परंतु एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हर एक स्टेप पे इसकी टेस्टिंग होती है। इसकी टेस्टिंग होती है, कहने का मतलब जो इसकी गुणवत्ता है, जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें कोई कमी ना। नेक्स्ट सर, अब देखने वाली बात है कि अलोवेरा है क्या चीज। अब अलोवेरा देखा जाए तो सभी को पता है, जैसे हम बात शुरू करते हैं अलोवेरा तो लोग जो है वो 2 मिनट की बात जो है 20 मिनट की हो जाती है, क्योंकि करीब करीब लोग सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं कि हम हिंदुस्तानी जानते हैं, पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में सभी लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए चाहे अफ्रीका हो जाए, सभी लोग हमारी नानी दादियाँ उनको सबको पता था कि भाई अलोवेरा एक बहुत ही औषधि कारक एक गुण है। और हिंदुस्तान में इसको देखा जाए तो किसी भी स्टेट में चले जाए अलग अलग नाम है इसको। अब यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज मराठी में इसको ओरपड़ बोलते हैं, परंतु थोड़ी दूर आप साउथ में चले जाएं तो इसको काला बंदा बोलते हैं, इकमार बोलते हैं, ग्वार पाठा बोलते हैं, इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। परंतु इसका असली नाम जो है ना वो संस्कृत में, हमारी आयुर्वेद में और ऋग्वेद में बहुत साल पहले, करीब करीब 5000 वर्ष पहले लिखा गया है और उसका नाम रखा गया था कुमारी, कुमारी वासव, कुमारी घृत कुमारी, मतलब ये घी जैसा लगता है इसलिए इसको घृत कुमारी बोला जाता है। और ये देखा जाए तो इसका कुमारी जो शब्द है वो उपयुक्त शब्द है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं और लगातार सेवन करते हैं तो एक जो कुमार अवस्था होती है जिसमें आदमी एक हष्ट पुष्ट रहता है, उसके ऑर्गन्स अच्छे काम कर रहे होते हैं, उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, उस अवस्था में ये काम करता है। और ये देखा गया है कि ये अगर इसका इस्तेमाल आप करते रहते हैं, इसका सेवन करते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर अगर कुछ चीजें पनप रही हैं जो आगे जाके बड़ा रूप ले सकती हैं, उनको भी ये आराम से एक साइलेंट हीलर की तरह उसको भी शांत करता है। तो जब सबको पता था, हमारी नानी दादियां और पुराने लोगों को, ये अच्छा है, इसके अंदर बहुत गुण हैं, तो जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो लोग इसमें रुचि दिखाते थे, उन्होंने इसकी स्टडी करनी शुरू की और उन्होंने देखा कि उनको पूरे वर्ल्ड से करीब करीब 400 से ज्यादा टाइप का अलोवेरा मिल गया। अब क्या था, ये एक जैसा नहीं था, उसमें कुछ जातियां उनको ऐसी भी मिली जो कि उपयुक्त नहीं थी, कुछ विषैले गुण भी थे उनमें, परंतु इन 400 जातियों में सिर्फ 400 से ज्यादा जातियां हैं, उसमें सिर्फ 4 से 5 टाइप की ऐसी जाति थी कि जिसके सेवन से या जिसके उपयोग से आपको कोई स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकती है। और उसमें जो सबसे अच्छी वेराइटी मिली उसी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उगाता है, उसको अपने खेतों में उगाता है और उसका नाम है अलो बार्मेडेंसिस मिलर। ये जो है एक इसको बालों पे लगाया जा सकता है, इसको स्किन पे लगाया जा सकता है, पर आज ये साबित हो चुका है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरह के कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे आपको। और हम जो है इसको जब उगाते हैं तो कम से कम 2 साल का एक गैप देते हैं, तब उसके अंदर वो औषधि गुण आते हैं, उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल पावर आती है, उसको काट के फिर उसको स्टेबलाइज किया जाता है उस प्रोसेस को, और ये नेचुरल तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है। तो आज की डेट में ये अगर इसको चेक करते हैं, कोई भी चेक करे इसको भी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली भी आप चेक करते हैं, जैसे हमने अभी जो पैकेजिंग हमारी टेट्रापैक की हो चुकी है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही लगेगा जैसे कि अभी आपने पत्ते से काट के इसके अंदर डाला, इतना शुद्ध होता है। 2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट होती है, परंतु उसके बावजूद ये टेट्रापैक के बावजूद
जिसमें कि टेट्रापैक है, वो टेट्रापैक नहीं है जो कि आपको ये दूध की दूध में मिलता है या आजकल बहुत सारे जूसेस मिले हैं, उस टाइप का नहीं है। ये एसेप्टिक टेट्रापैक है, कहने का मतलब इसमें जो न्यूट्रिशनल है, जो इसमें इसमें जो विटामिन थी उसकी उसको रिटेंशन पावर जो है हमने 300% बढ़ा दी है उसमें। तो कहने का मतलब हमारे हर एक प्रोडक्ट में, चाहे वो हमारा एलोवेरा जेल हो या और भी प्रोडक्ट हो, जितने भी प्रोडक्ट हो, उसमें 100% जो है वो स्टेबलाइज्ड एलो बारबेडेंसिस मिलर होता है। नेक्स्ट अप, तो ये कैसे काम करता है एलोवेरा जो है, किस तरीके से काम करता है? ये 3 स्टेज में काम करता है बेसिकली, कि एलोवेरा क्यों इतना इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है कि इसकी क्लिंजिंग पावर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये शरीर में जितने भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो कि विषैली चीजें हैं, जो टॉक्सिक चीजें हैं, जिनके कारण कई रोग पनपते हैं, उनको साफ करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। और ये कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तत्व माना जाता है, एक सत्व है जिसको बोलते हैं लिग्निन, ठीक है ना। ये जो घटक है ये इतना पावरफुल घटक है कि ये नीचे तक जाके, मतलब एक तरीके से जड़ तक जाके, जिसको बोलते हैं जड़ तक जाके, ठीक है ना, टिश्यू लेवल तक जाके ये वहां पे जाके काम शुरू करता है, वहां जाके सफाई करता है। और इसका जो सेपोनिन इफेक्ट है वो वहां पे, क्योंकि ये सो भी सब्सटेंस होता है, इसके अंदर चिकनाई होती है, तो वहां पे जाके जो भी टॉक्सिक चीजें जो चिपकी हुई हैं, जो बहुत बुरी तरह वहां पे चिपक गई हैं, जिसको निकालना बहुत मुश्किल है, उनको भी आस्ते आस्ते ढीला करता है और फिर आपके शरीर से बाहर आता है। इसकी जो नरिशमेंट स्टेज है वो बहुत पावरफुल है। नरिशमेंट का मतलब है कि ये पोषण देता है, हमारे शरीर को पोषण देता है। इसमें विटामिन है, इसमें करीब करीब सारे विटामिन हैं जो कि एक किसी को भी चाहिए, उसकी उपयोगिता को चाहिए, उसके रखरखाव को चाहिए, उसकी बढ़ोतरी को चाहिए, उसके एक स्वास्थ्य रखने के लिए चाहिए। इसमें जैसे विटामिन ए है, ठीक है ना, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बी के नाम पे पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, कहने का मतलब इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6, B12 जो नॉर्मली हमको नॉन वेज में मिलता है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर B12 भी होता है। इसमें बीटा कैरोटीन्स हैं, इसमें फॉलिक एसिड्स हैं, ये सब काम करते हैं। पूरा बी कॉम्प्लेक्स इसमें मिलता है, इसमें विटामिन सी है, इसमें D3 मिलता है, इसमें विटामिन के मिलता है। तो इतनी बड़ी भरमार जब आपको मिलती है तो इसकी नरिशमेंट वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें मिनरल्स हैं, करीब करीब 20 मिनरल इसमें मिलते हैं, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब मिनरल्स हमको इसमें मिलते हैं, 20 मिनरल। अमीनो एसिड्स बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो प्रोटीन्स जिसको बोल सकते हैं हम, और इनकी संख्या कुल 22 होती है। इसमें से 18 ऑटोमेटिकली जब हम ड्रिंक करते हैं, जब हम एलोवेरा पीरे होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर 18 अमीनो एसिड चले जाते हैं। इसकी थेरेप्यूटिक स्टेज जो है वो बहुत अच्छी है। इसमें एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बेसिकली जो भी हमारे न्यूट्रिशंस बनते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनको शरीर में सिर से लेके मस्तिष्क से लेके पैर तक ले जाना, वो हमारे एंजाइम्स का काम होता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स इतने ज्यादा हैं, तो ये स्पीड अप हो जाता है हमारी जो न्यूट्रिशंस जितने भी हैं वो शरीर के कोने कोने तक जाने में काफी तेजी हो जाती है और सब जगह मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें एंथ्राकोनिन्स है, कहने का मतलब ये पावरफुल एक तरीके से है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। कहने का मतलब इसमें जैसे एंटीबायोटिक है, ये एंटीफंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने में मददगार होती है। अब ये काम कैसे करता है एलोवेरा? एलोवेरा बेसिकली देखा जाए तो ये स्लाइड्स बहुत अच्छी बनाई हैं राजीव जी ने, मैं उनको बताई भी देना चाहूंगा, मैंने बड़े गौर से देखी है स्लाइड्स। इसमें जो स्लाइड नंबर 1 है उसमें हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें एक स्टोमक दिखाया गया है, फिर ये खाना जो है छोटी आंत में आता है, फिर ये बड़ी आंत में जाता है, और फिर जाके रेक्टम में जाते हुए एनस से जो है बाहर निकल जाता है खाना। तो ये जो पूरा सिस्टम जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे खाना बन के और फिर मल के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो भी उसके अंदर औषधि गुण होते हैं या जो भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो शरीर ले लेता है। और ये पाचन तंत्र जो है, जब वो हमारा जो उसका जहाँ पे ये काम होता है, जहाँ पे ये सुचोचन होता है, जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, वो होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भी हर एक कहते हैं कि 4 इंच के गैप में एक विलाइज होती है, जो कि 3 नंबर में आप देख रहे हैं ये विलाइज है। ये विलाइज इस तरीके से होती है कि इसमें जो भी हम खाना खा रहे हैं, हर एक कोई आदमी खाता अच्छा खाना खाने की कोशिश करता है, तो ये विलाइज जो है वो यहाँ से फूड जो अंदर जाता है, और जो विलाइज के कोने हैं
जहाँ पे ये ग्रीन आप देख रहे हैं ये आगे की जगह है, वहां पे जाकर रक्त धमनियां होती हैं और उनके अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस या वो जो पोषक तत्व है खाने में वो सारे चले जाते हैं और हमारे शरीर में सब जगह चले जाते हैं। परंतु क्या होता है, आस्ते आस्ते हम जो है वातावरण में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी विलाई जो है वो 3 नंबर की स्लाइड की तरह होगी, परंतु आस्ते आस्ते जब हम बाहर जाते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं बाहर का, हम प्रदूषण में जाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो आज की डेट में जैसे हर एक आदमी को पता है, और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक चिर परिचित है कि खाना जो है वो शुद्ध नहीं मिल रहा, सब्जियां शुद्ध नहीं मिल रही हैं, फल शुद्ध नहीं मिल रहे हैं, अनाज शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां हो रखी हैं, उसमें बहुत सारी कलर्स मिले हुए हैं, उसमें बहुत सारे मिश्रण है, कुछ ऐसी चीजें मिला रखी हैं। दूसरा क्या है कि हम प्रदूषण जो है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ गया है, विशेष रूप से महानगरों में जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो आस्ते आस्ते क्या होता है, और जो पानी एक और सोर्स होता है पानी भी, इसमें टॉक्सिक चीजें, विषैली चीजें, जहरीली चीजें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो खाने के साथ साथ हमारे छोटी आंत में चली जाती हैं, और इसके जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो प्रदूषित चीजें हैं जो हैं, ये विलाइज की जो के बीच में जानी शुरू हो जाती हैं, इनकी लाइनिंग्स में चिपकनी शुरू हो जाती हैं, आस्ते आस्ते कम होती हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर हम डीप फ्राइड चीजें खाते हैं, हम जो है फास्ट फूड खाते हैं, और ये जो विलाइज हैं आप देख सकते हैं कि 5 नंबर स्लाइड में ये विलाइज ने करीब करीब कवर कर लिया है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, छोटी आंत की विलाइज को। अब खाना तो हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, परंतु क्या है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आ पा रही है, हमारे अंदर वो एक तरीके से जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो नहीं आ पा रही है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो बीमार हैं, तो मैं कई बार पूछता हूँ कि आप ये दवाई खा रहे हैं तो वो कब से खा रहे हैं, कहते हैं हमको साहब हो गए 6 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए, पहले शुरू हुई थी 100 ml की गोली शुरू हुई थी, फिर 200 की हुई, फिर 250 की हुई, अब 500 ml की गोली खा रहे हैं और 500 ml की 2 गोली खा रहे हैं, परंतु कुछ कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अब फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा ना कि उसकी जो गोली के अंदर जो या उस दवाई के अंदर जो औषधि गुण है वो तो शरीर में जा ही नहीं पा रहे, तो आप इलाज तो कर रहे हैं परंतु आपको जो है आराम नहीं मिल रहा है। उसका इलाज क्या है, उसका इलाज सिर्फ ये है कि ये जो चीजें स्टक हो गई हैं, विलाइज में स्टक हो गई हैं, इसको बाहर निकाला जाए। अब हमारे पास जो है विलाइज को साफ करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का अलोवेरा जेल। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों इतना जोर दे के बोल रहा हूँ फॉरएवर का ही, क्योंकि जो शुद्धता है वो काम करती है दोस्तों, इसका जो लिग्निन इफेक्ट है वो विलाइज के अंदर तक जाके बिल्कुल कोने तक जाके, और इसका जो सेपोनिन इफेक्ट है वो वहां से जड़ से हिला के जो टॉक्सिक चीजें चिपक गई हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी बच्ची डॉक्टर है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये विलाइज में स्टक हो जाती हैं, टॉक्सिक स्टक हो जाते हैं, काफी हार्ड होते हैं, कहती हार्ड नहीं सर, रॉक हार्ड, इतने हार्ड हो जाते हैं कि इनको निकालना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको आस्ते आस्ते जो है आप अलोवेरा काम करना शुरू करता है फॉरएवर का, और जब आपकी विलाइज साफ हो जाती हैं और ये टॉक्सिस जो है मलमूत्र के द्वारा और आपके पाचन तंत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो आपको एक आराम मिलता है। तो अलोवेरा जो है ना वो ऐसा नहीं है कि कोई औषधि है, परंतु एक ये जो जहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको बोलते हैं हमारी छोटी आंत, वहां पे सबसे अच्छा काम करता है। तो जब ये काम करता है तो आदमी को आराम मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरीके से जो है ये इंटरनली काम करता है, परंतु अलोवेरा के साथ हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। अलोवेरा जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की अगर हम रचना देखें तो ये एक माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसे दिखाई देती है स्किन। ऊपर की स्किन जो है खुरदरी होती है और नीचे की जो दूसरी स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है, जिसको डर्मिस बोलते हैं। ऊपर की स्किन एपिडर्मिस है और नीचे की स्किन जो है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस जो है वो हमारे मसल से, हमारे हड्डियों से जुड़ी होती है। अब हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे काम करते हैं, एक्चुअली हमको जो नरिशमेंट चाहिए, जो पोषण चाहिए, जो रख रखाव चाहिए स्किन का, वो हमको चाहिए डर्मिस लेवल पे, जहाँ पे कि हमारे हेयर फॉसिल्स होते हैं, जहाँ पे हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स होते हैं, यहीं पे कॉलेजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जितनी ज्यादा मात्रा में कॉलेजन यहाँ पे रहेगा, इलास्टिन रहेगा, उतनी ज्यादा ऊपर की जो स्किन है वो आपको अच्छी दिखाई देगी, जो कि 21 से 28 दिन में बदलती रहती है। तो एलोवेरा कैसे काम करता है, जब हम ऊपर स्किन में लगाते हैं कोई भी हमारी क्रीम या जेली या कुछ भी चीज, तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसकी जो रचना है, इसकी जो बनावट है, वो इतनी महीन है कि वो छेदों से भी कप पतली है और वो नीचे तक जाके तीसरी परत तक, हाइपोडर्मिस तक चली जाती है,
और यहाँ पे भी जो गंद गर्त या किसी तरह की चीजें बैठी होती हैं उसको बड़ी आसानी से बाहर निकाल के साफ कर देती है। और ये अलोवेरा के जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो शुद्ध हैं, इसलिए किसी भी स्किन टाइप को, क्योंकि इसका जो पीएच बैलेंस है वो करीब करीब ह्यूमन बॉडी के पीएच बैलेंस के बराबर है, इसलिए कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से स्किन के जो हमारे प्रोडक्ट हैं बहुत इफेक्टिव हैं। अलोवेरा, ये सबसे अच्छी स्लाइड है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको समझाने में, अगर आप किसी को भी समझा पाते हैं तो आप अलोवेरा उसको दे सकते हैं। अलोवेरा के अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि इसमें जैसे दर्द निवारण क्षमता है, आप इसको पीते हैं कहीं बॉडी पेन है या कहीं सिर में दर्द है या कहीं पे भी है वो सिर दर्द ठीक हो जाता है। अब वो ऐसा नहीं कि हमने दवाई दी है, पर इसके अंदर वो गुण है जो कि दर्द को निवारण करते हैं। बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है इसमें, वायरल से लड़ने की क्षमता है, जैसे कि आजकल फैला हुआ है तो क्यों बोला जा रहा है कि ये एक बहुत रोग प्रतिकार शक्ति का एक बहुत अच्छा एक मजबूत आपके पास एक उदाहरण है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कहने का मतलब शरीर में सूजन जो है उसको कम करता है। एंटी प्यूरेटिक है, एंटी प्यूरेटिक का मतलब होता है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दांत खाज खुजली या किसी तरह की कोई स्किन डिसऑर्डरमेंट्स हैं, कहीं एब्रेशंस हैं, कहीं पे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तरीके से उनको एक आराम देता है। और ये एक एंटी पायरेटिक है, कहने का मतलब ये तपन को, ताप को, जलन को, उसके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर 75 न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं, 75 गुण हैं जिनको आप नाप परख सकते हैं, और इसमें करीब करीब 200 कंपाउंड्स हैं। ये काम क्यों अच्छा करता है, क्योंकि ये नीचे टिश्यू लेवल तक जाके काम करता है। और साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा इसको अलोवेरा को, और अलोवेरा की स्पेशली इस वेराइटी को जिसका नाम है अलोबार्मेडेसिस मिलर, इसको बोलते हैं कैराटोलॉटिक इफेक्ट। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो है बहुत सारे ऐसे सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि डेड टिश्यूज हो जाते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, कुछ टॉक्सिक चीजें बन जाती हैं, उनको बाहर निकाल के, उनको बचा के, उनको बाहर तक निकालने की क्षमता सिर्फ अलोवेरा जैसे एक तरीके से प्लांट में दिखाई दी। तो ये क्या करता है, ये सफाई जो है, सफाई के साथ साथ हमारे शरीर में जो जितने भी ये टॉक्सिक चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, उनको भी बाहर निकालने में काफी मददगार होता है। ये एक अच्छे सेल बनाता है बॉडी के अंदर, इसका पीएच बैलेंस भी जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के बराबर है। परंतु इसको मैं कहता हूँ कि अगेन आई से कि अलोवेरा सबसे अच्छा इसलिए काम करता है कि अंदर से स्नान करवाता है। जैसे आप बाहर से नहाते हो और आपको आराम मिलता है, वैसे अलोवेरा पीने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आपको बहुत आराम मिल गया। अलोवेरा FLP का ही क्यों लिया जाए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि FLP का ही क्यों लिया जाए, क्योंकि इतना ध्यान रखा जाता है कि एज इट इज, जैसे जेल निकाला गया है उसमें कुछ भी नहीं मिला, ना कलर, ना पेस्टिसाइड। हम खेतों में कुछ नहीं इस्तेमाल करते, हम जो है पिछले दिनों हमने एक देखा था कि हमने बकरियां पाल रखी है, उनकी जो खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई कलर नहीं मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, ठीक है। तो ये जो वेराइटी है बार्बाडेसिस मिलर, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो इसका इनर जेल है सिर्फ, और मैच्योर होने के बाद, वो मैच्योर होता है करीब 2 साल के बाद। मैं यहाँ पे 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। देखिए जितने भी खेती हर लोग हैं, जैसे हिंदुस्तान में भी हैं, हम लोग एक साल में 6-6 फसलें उगा लेते हैं आज की डेट में, क्योंकि हाइब्रिड फसलें हैं, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। पर तो फॉर एवर जो है एक पत्ते की 2 साल इंतजार करता है, हमको पता है कि 2 साल के बाद ही उसके अंदर वो औषधि गुण आएंगे जिसका कोई लाभ हो सकता है। इस तरीके से हम जो है 100% स्टेबलाइज जेल है हमारा, जिसमें कोई किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह का एवरीथिंग इज 100% नेचुरल। और इतनी ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल होता है कि हर एक स्टेज पे क्वालिटी कंट्रोल की बात क्या आता है, ठीक है ना। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो है हम इसको करते हैं, और ये देखा गया है कि इंडिपेंडेंट टेस्ट बताते हैं कि इसेंशियल आइडेंटिकल जो है वो एक जैसे आपने अभी पत्ता तोड़ के इसमें डाला हो उतना शुद्ध ये जेल है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, राजीव जी जरा थोड़ा सा बोलूँ इसके बारे में। हेलो, इसी स्लाइड पे रखिएगा जरा, नहीं नहीं स्लाइड पीछे की रखिएगा, हाँ थोड़ा सा उसी स्लाइड पे रखिएगा। देखिए आपको पता है कि ये कंपनी 2000 में इंडिया में आई थी। इंडिया में हमको अलोवेरा पता था 3000 साल पहले से पता था, 5000 साल पहले से पता था, परंतु हमको ये नहीं पता था, हिंदुस्तान में किसी को ये नहीं पता था इसको बॉटल में डाल के कैसे बेचा जा सकता है। ये फॉरेवर ने जब यहाँ पे लाए तो
मैं थोड़ा सा बात इसलिए करना चाहूंगा कि जब भी आप एलोवेरा की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो इस कंपनी का एलोवेरा जेल है, ये बाबा जी ने एलोवेरा जेल बनाया है, ये इतना सस्ता है, ये 500 रुपए का है, ये 300 रुपए का है, ये बहुत सस्ता है, आपका इतना महंगा क्यों है, 1672 का क्यों है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहली तो चीज है कि ये सब चीजें कोई कर नहीं पाता है कि 100% नेचुरल इसको रख सके, कोई नहीं कर पाता है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 2 साल की गारंटी के साथ इतना इस तरह से पैक करके बेचना, वो सिर्फ उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए और हमारे पास 42 साल की एक्सपर्टीज है। सर मैं यहाँ पे कई बार मजाक में बोलता हूँ कि देखिए ऐसा होता है कि बाजार में कई बार नकली नोट भी आते हैं, जैसे कि आपने देखा कई बार अखबारों में आता है कि 2000 का नकली नोट आ गया। अभी 2000 का नकली नोट कब आता है, ये साबित करता है नकली नोट कि भी असली नोट जरूर है बाजार। तो अगर कोई काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको ये पता है कि उसने असली नोट का फॉरएवर के एलोवेरा जेल को कॉपी किया है। देखो दोस्तों, एलोवेरा जेल पर जेल निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, एलोबार्मेंडिसिस मिलर को भी उगाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको कस्टमर तक पहुंचाना उतने गुणों के साथ, ये चैलेंज किसी के पास नहीं। आज जो है हमारा टेस्टेड प्रोडक्ट है, हम क्यूरिटी फ्री हैं, हमने जानवरों पर इस्तेमाल नहीं किया, हमारी पहली कंपनी थी जिसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कॉशर रेटिंग से नवाजे गए हैं। कॉशर रेटिंग ये बताती है कि ये बैक्टीरिया प्रूफ प्रोडक्ट है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल मिली हुई है, जो कि जिसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, उन्होंने टेस्ट किया, हमारे जो प्रोडक्ट है वो हलाल के प्रोडक्ट है, हमको क्रिसेंटमम हलाल की जो है वो सील मिली हुई है, और हमको जंपिंग बनी का जो है वो अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है इस स्लाइड को समझना कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम पैसे ले रहे हैं दोस्तों, तो हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। एनीवे वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट साइड। ड्रिंक्स एलोवेरा जेल अभी क्या है, इस बॉटल में मैंने आपको अभी बहुत कुछ बताया कि एलोवेरा के अंदर कितने गुण होते हैं, किस फायदे होते हैं, वो सारा कुछ इस बॉटल के अंदर साफ साफ सामने लिखा हुआ है, 100% नेचुरल, कोई एडिड, कोई फ्लेवर भी नहीं है, किसी तरह का कोई टॉक्सिक नहीं है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं, साफ लिखा हुआ है। और दोस्तों ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये कंटेनर जो है एसेप्टिक कंटेनर है, इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को, जो इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर जो गुण है, गुणवत्ता जो इसके अंदर है, उसको रख रखाव करने का 300% तक का जो है वो दावा करता है ये पैकिंग, एसेप्टिक पैकिंग। हम भी एक ऑर्डिनरी पैकिंग में इसको सस्ता करके बेच सकते थे, पर दोस्तों नहीं, हमको एक छोटी सी चीज है, मैं पिछले दिनों एक आजकल वीडियो भी आ रहा है जो फेसबुक में आ रहा है, हमारी जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, 3 डॉक्टर्स हैं हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स का कंसल्टेंसी करते हैं दोस्तों, वो जब हमारी कंपनी में आए, तीनों अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, तीनों उनको हमारी कंपनी ने रखा है। वो जब फॉरएवर में आए तो उन्होंने कहा यार इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देखी, जो फॉरएवर ने ऑलरेडी बना के रखी हुई। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, जैसे मैंने बताया कि 75 गुण जब आपके शरीर में जाते हैं तो इतनी ज्यादा ताकत मिलती है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, ये आपको आस्ते आस्ते आपको अंदर कोई अगर तकलीफ भी है तो उसको ठीक करना शुरू करता है, पेन किलर की तरह काम करता है, ये जो है वेट कम करने में और आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक है, ठीक है ना, ये सेल्स नए सेल्स बनाने में जो है वो आपकी सहायता करता है, इसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है जो कि वो रिपेयर करता है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये एक इतना पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको पीजिएगा, इसको रिकमेंड करिएगा, और मैं इतने सालों से इसको बेच रहा हूं, मेरे को कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कह सके कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो इसी को जो है हमने 1 लीटर को हमने 3 भागों में बांट दिया है, वही जेल है, वही सब कुछ है, 330 ml के 3 पैक बना दिए हैं, और मैं थोड़ा सा मेरी राय ये है, मैं इसी को प्रमोट कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि ये जब आप डिलीवरी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इसकी जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा, 1 लीटर में थोड़ा कई बार डैमेज का मैंने देखा है, परंतु इसमें जो है मैं काफी जगह भेजता हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज जाता है, इसका जो ट्राई पैक है वो बहुत ही पावरफुल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेरी नेक्टर। इसमें हमने एलोवेरा के तो गुण सारे हैं ही हैं, उसमें हमने
90% जो है वो एलोवेरा है इसमें, और 10% जो है हमने ग्रेन बेरीज और एप्पल जूस मिलाया। एप्पल जूस जो है बहुत अच्छा है, उसमें एक पेक्टिन के नाम से एक घटक होता है, एक पोटेशियम में बहुत रिच होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की स्पेशली ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। परंतु ये जो ग्रेन बेरीज हैं, ये यूरोपियन एक फ्रूट है और वो लोग बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये आपकी किडनी को एक बहुत ताकत देता है और उसको साफ रखता है, उसकी क्लेंजिंग रखता है। इस तरीके से जो है वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे गाउट्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज के पैर सूज जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक आराम मिलता है। ये गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में बहुत अच्छा काम करता है और किडनी को एक हेल्दी किडनी बनाने के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से तत्व है ये। ये भी एक ट्राईपैक में अभी आ गया है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें देखने वाली बात यह है कि ट्राईपैक में थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ, इसमें सीसी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना, आपको 0.018 सीसी ज्यादा मिलते हैं, तो इसको प्रमोट करिएगा लोगों को, बहुत टेस्टी है। और इसके बाद हमने बनाया है जो है उसका नाम है हमारा बिट्स पीचेस, अलो पीचेस, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें हमने टेट्रा पैक होने की वजह से जो हमारे पहले फाइबर्स होते थे, मैं भी क्लियर कर दूं कि लोग बोलते थे पहले का जेल थोड़ा सा अलग था, उसमें फाइबर्स उतने ही हैं, फाइबर्स हमने कम नहीं किए, उसको हमने चर्न कर दिया, उसको हमने मथ दिया है। उसका रीजन सिर्फ ये था कि वो जाके कागज के एक पैकिंग में नीचे ना बैठे, नीचे तक ना बैठे, इस तरीके से हमने उसको चर्न कर दिया है, फाइबर्स उतने ही हैं। तो हमने इसमें जो एक छोटे छोटे टुकड़े मिलाते थे वो ना मिला के हमने इसको पीच मिलाया इसमें, जो कि एक बहुत अच्छा, एक शानदार, बहुत टेस्टफुल एक वो है, एक स्वादिष्ट ड्रिंक है। और इसमें जो है ना कैरोटीन्स होते हैं, ये कैरोटीन्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, उसकी एक हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ ये कैरोटीन्स हैं बहुत अच्छे स्किन के लिए, तो ये बच्चे भी लाइक करते हैं और जो लेडीज जो अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना चाहती हैं उनके लिए सबसे अच्छा ड्रिंक है। और ये भी जो है अभी ट्राईपैक में इंडिया में आ चुका है और इसका भी सीसी जो है 0.0 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलो के हमारे ये जो ड्रिंक्स हैं दोस्तों, ये कमाल के ड्रिंक है, कमाल के ड्रिंक है। सिर्फ आपको पूरी पूरी नॉलेज लेनी है, सामने वाले को समझाना है, और हमने इस तरीके से बनाया कि हमारा अलोवेरा एक बार तो पी लो। पहली बार आपको अपनी सेल्समैनशिप दिखानी पड़ती है ये प्रोडक्ट देने के लिए, परंतु उसके बाद जो है वो कस्टमर जो है वो सामने से मांगता है, वो कस्टमर कहता है कि मेरे को ढाके दे दो। ये जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा, कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, कुछ ठीक है जितना स्लाइड में हूं उतना बताऊंगा, ठीक है ना। अब जैसे हमारे बीफ प्रोडक्ट्स हैं, हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं हनी एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स के, मधुमक्खी के छत्ते से बने हुए प्रोडक्ट के हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर वर्ल्ड में। देखो दोस्तों, ये दोनों चीजों में हमारी भारत क्यों है, ये दोनों चीजें बड़ी आराम से कहीं भी पैदा हो जाती है, मधुमक्खी का छत्ता कहीं भी लग जाता है, कहीं भी हनी बन जाता है, हर एक आप गांव में चले जाओ वहां पे छत्ते होते हैं, वहां पे हनी मिलता है। और उसके बावजूद संसार में सबसे ज्यादा हनी हम क्यों बेचते हैं, उसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारी स्पेन में फैसिलिटी है, जहाँ पे हम इसको इसका संचयन करते हैं, हम कुछ नहीं करते, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है इसको, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होती, कुछ नहीं होती है, एज इट इज इसको छत्ते में से एक बॉटल के अंदर डाला जाता है। एक्चुअली हनी के साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि हनी के साथ इसके अंदर अगर कुछ चला गया है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। हाँ, आप डाल जरूर सकते हो कुछ ना कुछ, जैसे कि ज्यादातर कंपनियां डालती हैं, काफी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा ऐड आते हैं उनके टीवी में, ऐड आते हैं कि हमारा हनी है साहब बहुत सस्ता है साहब, 100 रुपए का ले लो, 120 रुपए का ले लो, ठीक है ना, वो हनी ले लो, परंतु वो हनी नहीं होता, हनी के नाम पे बहुत कुछ होता है उसको, ठीक है। तो ये जो हनी है ये स्पेन में ऐसी जगहों में उगाया जाता है जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एरिया है, जहाँ पे इवन सिविलाइजेशन नहीं है, वहां पे जो है काम करने वाले लोग ही जाते हैं। और जब गर्मियों के टाइम पे जब जो सबसे ज्यादा वहां पे फूल उगते हैं, गर्मी में जंगली के फूल उगते हैं, तो उनके अंदर मिनरल्स जो है वो कंटेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो उस टाइम पे जो हनी उन नेक्टर से हनी कलेक्ट करती है वो उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, तो इसको हम कलेक्ट करते हैं, वहां पे उगाते हैं, वहां पे हम इसका संचयन करते हैं, वहां पे इसको कलेक्ट करते हैं, और ये 100% नेचुरल हनी है। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपने बहुत सारे डब्बे देखे होंगे जो हनी के बाजार में मिलते हैं, ऐड भी आता है, सब लिखते हैं कि इस कहानी, इस कंपनी का हनी, इस बाबा जी का हनी, इसका हनी किसी के अंदर एक हिम्मत नहीं हो सकती जो लिख सके बी हनी,
कि ये मधुमक्खी ने हनी बनाया, कोई नहीं कर, ये कहते हैं ये बाबा जी ने हनी बनाया, ये इस कंपनी ने हनी बनाया। हम कहते हैं ये फॉरएवर का बी हनी है, ये मधुमक्खी ने बनाया हनी। तो ये एनर्जी का सोर्स होता है बहुत बड़ा, ये जो है नेचुरल, इसमें एक तरीके से एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। और शुरू में मैंने बताया था कि एलोवेरा के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि 75 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हनी जो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 95 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 22 में से 18 अमीनो एसिड एलोवेरा के अंदर होते हैं, हनी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 22 के 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें 8 के 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो है एक तरीके से इसका अगर पर्यायवाची देखा जाए तो इसको अमृत भी बोला जाता है। पुराने जमाने में लोग जो है इसको खा के, सिर्फ हनी खा के बरसों जीते थे। तो इस तरीके से हमारा हनी जो है वो ट्राई करिएगा, बढ़ते बच्चों के साथ ट्राई करिएगा, बूढ़ों के साथ ट्राई करिएगा, सुबह जो है आप वेट रिड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी आप इसको जो है एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके शरीर में कितनी स्फूर्ति रहती है, आपका पाचन कितना अच्छा रहता है। उसी मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी मक्खियां तो रहती हैं, एक छत्ते में करीब 1 लाख के करीब करीब मक्खियां रहती हैं, 80,000 से 1 लाख, परंतु उसमें सिर्फ एक ही रानी रहती है। और इस रानी के फूड को, क्योंकि उसका नाम रानी है, इसलिए उसके खाने को रॉयल जेली कहा जाता है। ये रॉयल जेली कैसी चीज है, इतनी पोटेंट चीज है जिसको फाउंटेन ऑफ यूथ भी बोला जाता है। कहने का मतलब है कि वो रानी हमेशा जवान रहती है। वो रानी रोज करीब करीब 3,000 अंडे देती है। उसका फर्टिलिटी इतनी ज्यादा रहती है उसकी कि वो 3,000 अंडे देने के बाद अगले दिन फिर तैयार हो जाती है 3,000 अंडे देने के लिए, क्योंकि उसका जो फूड है उसके अंदर वो पूरी रिकवर कर लेता है। वो उतनी स्ट्रांग हो जाती है, दोबारा उतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है मिनरल्स हैं, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है जो कि बहुत जो है रेयर मिलता है किसी प्लांट बेस में या कहीं पे भी। तो इस तरीके से ये एक फाउंटेन ऑफ यूथ है, इसको रेगुलरली खाइएगा। मैं एक बहुत बड़ी एक राइटर हैं, उनके बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, फिक्शन की सबसे ज्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो उनके एक बार पूछा गया कि भाई आपका क्या राज है, आपका इतना ब्रेन इतना शार्प कैसे रहता है, आप इतने मतलब एक तरीके से ऐसा सोच के क्या क्या लिखते हो इतना फिक्शन। तो कहती है कि मैं शायद 20 साल से रॉयल जेली खा रही हूँ, उसका सेवन कर रही हूँ। दोस्तों ये इतना कॉस्टली है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में डायमंड से भी कॉस्टली इसके रेट है। तो ये जो है हमारे को, हमने ये प्रोडक्ट दिया है आपको जो कि काम करता है एक ब्रेन में, बड़ा अच्छा काम करता है ब्रेन की फंक्शनिंग, उसके रख रखाव, उसका पूरी तरह से बेस्ट वे में ब्रेन काम करे उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छा काम करता है लेडीज के लिए, उनके रिप्रोडक्शन पूरे ऑर्गन, उनके चाहे किसी तरह के प्रॉब्लम हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम के एंगल से नहीं मैं बोल रहा, परंतु क्योंकि वो रानी फीमेल जो है वो बहुत बेस्ट फीमेल रहती है, सबसे हेल्दी फीमेल रहती है, इसलिए फीमेल्स जब इसको लेती हैं तो उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं, एक बार फाइब्रोड्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं या लिकोरिया टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखे गए हैं कि लोगों को आराम मिला है। ओके, तो ये रॉयल जेली जो बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, इसको लोगों को रिकमेंड करिएगा। नाउ द नेक्स्ट product will be, I think, is a Immublend. Basically, ये मेरा बड़ा favorite product है, जिसको आज की date में जिसकी सबसे ज़्यादा requirement है। और ये जो है आज की condition में लोग बोल रहे हैं अपना immune system strong करो। Immune system strong का क्या मतलब है? कहने का मतलब हमारी body में वो cell जो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, अगर वो सेल बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो हमको किसी तरह का वायरस का कोई खतरा नहीं हो सकता। अगर वो वायरस पास भी आता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो सेल इतनी ज्यादा मात्रा में है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, रक्षा प्रणाली के जो बने हैं उन सेल्स की इतनी ज्यादा मात्रा होती है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो इसको हमने जो है ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया है, पर इसमें हमने ब्लेंड किया है, बहुत सारी चीजों को ब्लेंड किया, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से लेकर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक का हमने इसमें ध्यान रखा है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसमें जो है ना फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं। ये फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड्स जो है ना वो एक फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो पाचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम खा रहे हैं उसके गुण अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होगी। ये वेट लॉस में काम करता है फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड्स। ये जो है फाइबर्स हैं, बहुत अच्छे फाइबर्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को बड़ा अच्छा रखते हैं। इसमें हमने ब्लेंड किया है लैक्टोफेरिन के नाम से। ये जो लैक्टोफेरिन्स हैं, लैक्टोफेरिन्स का मतलब होता है कि
दूध से निकली हुई चीज। आपको पता है जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध पिलाया जाता है। माँ का दूध क्यों ही पिलाया जाता है? वो इसलिए पिलाया जाता है कि उसके अंदर बच्चे की जो रोग प्रतिकार शक्ति है, वो बच्चा एक बिल्कुल सेफ जगह में था, अब वो वातावरण में आ चुका है, उसको जो है सबसे अच्छी डाइट जो है ना वो माँ ही दे सकती है। उस माँ के डाइट के अंदर जो लैक्टोफेरॉल्स जो है वो उसके इम्यून सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनको बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। ये जो है ये इसके अंदर बहुत जो गुड बैक्टीरियाज हैं उसके लेवल को बढ़ाता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ये जो लैक्टोफेरॉल्स हैं, ये जो है फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं उनकी ग्रोथ को जो है कंट्रोल करने में सहायक होते हैं, ये एंटीवायरल है, और ये जो है हमारी बोन हेल्थ को भी काफी अच्छा सपोर्ट देता है। इसमें दो तरह के हमने मशरूम बनाई है, मिलाई है। ये मशरूम भी जो है जापान में बहुत कई सौ सालों से इस्तेमाल हो रही है और उन्होंने बहुत अच्छे इनके प्रूफ देखे हैं। तो इसमें माइटेक और शाइटेक दो टाइप के मशरूम मिलाए गए हैं और ये एक तरह देखा जाए तो ये एंटी फंगल होती है चीजें, इनको हेल्दी फंगस भी बोलते हैं। ये जो मशरूम होती है इनको हेल्दी फंगस भी होते हैं इसमें। तो ये माइटेक मशरूम है स्पेशली, ये जो है बहुत अच्छा काम करती है अगर किसी तरह का कोई स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक्जिमा है, सोरायसिस है या हर्पीज है किसी तरह की हो गई है, तो उसमें माइटेक मशरूम जो है बहुत अच्छा काम करता है। और जो शाइटेक मशरूम है ये आपकी जो जैसे फ्लू से जो है वो आपकी रक्षा करता है, इसमें हाइपर टेंशन से ये रखाव करता है, और ये जो इम्यूनो सेल सपोर्टर है ये एक तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल को भी जो है कम करने में मददगार होता है। इसमें विटामिन डी मिलाया है जिसमें जो कि इम्यून सेल्स को आगे बहुत बड़ी मात्रा बढ़ा देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें विटामिन सी मिलाया है हमने जो कि फ्री रेडिकल्स को, अभी हम बात भी करेंगे विटामिन सी जो है वो क्यों हमको लेना चाहिए आज के टाइम पे, और ये जो है ना ये एक तरीके से किसी भी चीज को ना बहुत जल्दी हील करता है। इसमें जिंक मिलाया है हमने, ये करता है एक्चुअली जो कई लोग ना उनका जिंक की कमी की वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर जिंक की मात्रा अच्छा है तो आपके शरीर में आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको इतने जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा किसी वायरस का या किसी फंगल का। तो ये जो इसके अंदर क्या है कि जिंक के अंदर टी सेल्स होते हैं जो कि एक तरीके से फाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स के साथ, कहीं किसी तरह का जो क्या कहते हैं जैसे मान लो कोई अटैक हो गया है कहीं पे, जो फ्री रेडिकल्स हो गए हैं, कैंसरस सेल्स हो गए हैं, या कहीं पे कोई अल्सर फॉर्मेशन हो गया है, सिस्ट हो गया है, तो उनको उनके लिए ये टी सेल्स जो है अगर ज्यादा मात्रा में है तो बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रांग करते हैं। ये बहुत अच्छा है विजन के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो टी सेल्स होते हैं ये पुरुषों में उनके जो स्पर्म होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। कहने का मतलब इसका नाम है इम्यून ब्लेंड, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने इसको ब्लेंड किया है बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजों में। आज की डेट में आपकी इम्यून सिस्टम को बेस्ट रखने के लिए, ऑप्टिमम रखने के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई भी नहीं। अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक की। प्रोबायोटिक बेसिकली ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमको फ्रेंडली बैक्टीरियाज की जरूरत होती है। हम जो है बहुत से खानों में हम फ्रेंडली बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं, हमको दही जमानी होती है तो हम बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं, हमको अगर डोसा बनाना है, खमीरा बनाना है, हमको जलेबी बनानी है तो हम उसको उसका जो बैटर होता है, जो उसका खमीरा होता है, उसके लिए हम बैक्टीरियाज की इस्तेमाल करते हैं। परंतु क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कई बार क्या है अपसेट क्यों हो जाता है ये, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल जो रेक्टम का हिस्सा है वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में एनिमी बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। ये एनिमी बैक्टीरियाज जो है कब्ज पैदा करते हैं, हमारी जो बॉडी में एक वीकनेस लाते हैं। तो हमने जो एक प्रोबायोटिक्स बनाया है, प्रो बी जो हमारा नया आया है, नई पैकिंग के साथ आया है, ये इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर जो है करीब 8 बिलियन CFUs होते हैं। ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज की शॉर्ट फॉर्म है और ये इस तरीके से बनाया हमने कि ये 6 strain है। 6 strain का मतलब होता है कि इसकी 6 परतें होती हैं। जब ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जाता है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे स्टॉमक में जाएगा तो जो एसिड से इसको गलना चाहिए वो नहीं मेल्ट होता है और ये जाके खुलता है सीधा नीचे के हिस्से में, जो रेक्टम के हिस्से में जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये इतना पावरफुल हमने बनाया है, इतना साइंटिफिक हमने बनाया है, इतनी बड़ी रिसर्च के बाद बनाया है कि ये आप इसको जहाँ पे इसकी जरूरत है वहां पे ये बैक्टीरियाज खुलते हैं। और ये प्रोबायोटिक है, नॉर्मली जो प्रोबायोटिक्स बहुत सारी कंपनियों के मिलते हैं उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से बनाया कि ये खराब नहीं होता है, इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है करीब 1 साल है इसकी, हमने बनाया है। ये वेजिटेरियन है बिल्कुल, ग्लूटन फ्री है,
और इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत प्रेवलेंट है, बहुत प्रेवलेंट है। मैंने बहुत से लोगों को एलोवेरा जल दिया, ये प्रोडक्ट दिया, उन्होंने कहा साहब, अभी मैंने एक बच्चे को दिया थोड़े दिन पहले, करीब 6-7 दिन हो गए, तो वो उनका फादर का फोन आया कि भाई इसको बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, पहले इसको पिलाओ। वो कहते नहीं सर, लगाने को कुछ मुंह में दे दो। मैंने कहा नहीं, कोई फायदा नहीं। आज उनका दोबारा ऑर्डर आया कि सर जो जो इसको चाहिए वो सारी चीज दे दो, क्योंकि इसका पेट ना कभी जिंदगी में शायद पहली बार इतना साफ हुआ है। ये जो खाना खा रहा है ये आज सामने से मांग के खाना खा रहा है। रीजन क्या है कि उसको पता ही नहीं था कि हेल्दी गट किसको बोलते हैं। अगर आपका गट बहुत हेल्दी है, अगर आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है, तो दोस्तों आपकी स्वास्थ्य जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे नेक्स्ट प्रोडक्ट, नाउ विटोलाइज फॉर मेन। ये हमने बनाया एक फार्मूला जो कि पुरुषों के लिए है ये वाला, और ये एक इसमें बहुत सारी बॉटनिकल चीजें मिलाई हैं, जिसमें कि एक मतलब नैसर्गिक चीजें हैं, ये प्रकृति विज्ञान वनस्पति विज्ञान से हमने चीजें ली हैं। इसमें जैसे 100 पालमेटो है, ये वनस्पति है सारी, पीजीएम है, इसमें पंपकिन सीड है जिसको भोपला बोलते हैं या जिसको सीताफल भी बोला जाता है, उसके जो सीड है उसको हमने इसमें मिलाया, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि आपके जो प्रोस्टेट है, मेन में एक ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन बोलते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये एक तरीके से ये बताता है कि भाई उस आदमी के अंदर यौवन है, मर्दानगी, जिसको शब्द भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक अखरोट के साइज का, एग्जैक्टली जो अखरोट होता है नॉर्मली उसके साइज का एक ऑर्गन होता है, जो कि बिल्कुल पीछे की तरफ होता है, थोड़ा रिप्रोडक्शन ऑर्गन में पीछे की तरफ होता है, और यहाँ से जब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से पास होकर नसें जाती हैं तो वो इसके थ्रू जाती हैं यहाँ पे। परंतु इसका ना बहुत वाइटल रोल होता है आदमी की पौरुषता के लिए। ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो कि जवान रखने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका हेल्दी होना, इसका साइज बराबर रहना, ये बहुत जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि, और नॉर्मली देखा गया है कि एक 50 साल के बाद नॉर्मली इसका साइज हल्का सा बढ़ना शुरू हो जाता है, परंतु अगर इसका साइज बढ़ता है तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। वो जो एक आदमी के अंदर जो हार्मोन्स बनने चाहिए और हार्मोन्स की संख्या कम हो जाती है, उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे इसका साइन एक ये होता है कि कई बार पुरुषों को बहुत रुक रुक के पेशाब आती है, ठीक है ना। पेशाब तो आ रही है, प्रेशर को लग रहा है, परंतु पेशाब नहीं करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जरूरत होती है कि भाई यहाँ पे एक जरूरत है कि आप प्रोस्टेट को चेक कराओ। और ये जो प्रोडक्ट है इसके बहुत से रिजल्ट्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ और बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसको जो है सिर्फ मेन जो है वो ही लें इसको। इसके बाद मैं प्रोडक्ट लेता हूँ विटामिन सी। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, WHO बोल रही है विटामिन सी खाओ साहब, दवा के खाओ। क्यों खाओ विटामिन सी, क्यों इतनी जरूरत पड़ गई? क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और जब ये बॉडी के अंदर होता भी है किसी सोर्स के थ्रू डाला जाता है, तो ये क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो ये बहुत ज्यादा देर तक रहता नहीं है, बॉडी के अंदर नहीं रहता, परंतु ये जरूरी बहुत है। ये जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता जितनी विटामिन सी के अंदर होती है उतनी शायद किसी और विटामिन में नहीं होती, ठीक है ना। ये जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो हमने स्पेशल फार्मूला बनाया है हमने नया, जिसका नाम है C+, ये हमने बनाया है। इसमें दो चीजें हैं, बहुत पावरफुल चीजें हैं। एक तो है जिसको इंडियन गूसबेरी या जिसको आंवला बोलते हैं। अब आंवला जो है वो हमारे हमारे खाने में हमारी नानियां दादियां सब बात करती हैं, कहते हैं आंवले के बारे में बोला जाता है कि बुजुर्ग का सुना और आंवले का खाया बाद में पता लगता है, ठीक है ना। आंवला खाने में कसैला लगता है परंतु कुछ देर के बाद बहुत मीठा लगता है। तो आंवला जो है उससे हमने विटामिन सी निकाला है, परंतु हमने इसमें जो हेस्पेरिडीन है उसके ऊपर जो रिसर्च है हमारी वो बहुत ही पावरफुल रिसर्च है। जब फल बिल्कुल खट्टे होते हैं, अनपके फल जो अभी पके नहीं, ठीक है ना, खट्टे की स्थिति में होते हैं, वो स्टेज पे होते हैं, वहां पे उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हेस्पेरिडीन या विटामिन सी बहुत बड़ी मात्रा में हमने इसमें मिलाई है। विटामिन सी जो है ना वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके सेल्स को हेल्दी रखता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको निकालने में, उनको किल करने में बहुत सहायक होता है, आपकी बॉडी को मजबूत रखने में बहुत अच्छा है। ये इवन जो है कहीं पर डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी, जैसे कई लोगों को
गेस्ट्रोएंटाइटिस हो जाता है उसमें एक बहुत फायदेमंद है। और इसको जो है ना ये हमने इस तरीके से बनाया जिसको आप चूस के लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप चूसिएगा इस गोली को। उसका रीजन क्या है कि इसके जितने भी सत्व होंगे ना इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑरेंजेस हैं, इसमें ग्रेप्स हैं, लेमन है, ये खट्टे फलों को जो है टैंगरिंग्स जो है उनको मिला के हमने इसमें बनाया है। तो ये विटामिन सी और इम्यून ब्लेंड आज की डेट में जैसे हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को काफी एडवाइस कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये महामारी आ गई है उससे कैसे बचाव किया जाए। तो दोस्तों ये जो दो प्रोडक्ट हैं, आजकल मैं सभी को बोल रहा हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई सीधा ऐसी बात करता हूँ, सर 3200 रुपये खर्च कर सकते हो सर आपको अपनी मजबूती एक मजबूत शरीर के लिए। वो कहते क्या है, कैसे है, क्या चीज क्या है। मैंने कहा मैं आपको सिर्फ 3200 रुपये का, 100 रुपये एक चीज का, एक दिन का एक ऐसा इलाज दे रहा हूँ सर कि जो आपको पता लगेगा बाद में कि आप कितने मजबूत हो गए हैं, आप जो है आपको अंदर से ही पता लगेगा। तो दोस्तों ये जो दो प्रोडक्ट हैं, एक तो विटामिन सी हमारा सी प्लस जो है, और इम्यूब्लेंड, इसको सबसे ज्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं, घर में बैठ के प्रमोट कर सकते हैं। और हमारा डिलीवरी सिस्टम है, आप सीधा बुक करिएगा, वो कस्टमर के घर में जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर आर्कटिक सी। ये प्रोडक्ट हमारा इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, जैसे हमारी कंपनी, हमारी आपने कोई संसार में कोई कंपनी देखी, किसी भी कंपनी को उसके नाम से जाना जाता है, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस हो तो रिलायंस के नाम से जाना जाता है, कोई कंपनी मान लो माइक्रोसॉफ्ट है उसको माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारी कंपनी को अलोवेरा कंपनी के नाम से जाना जाता है, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी ब्रांडिंग है कि जहाँ पे अलोवेरा का नाम आता है वहाँ फॉरएवर ही होगा। तो ये कैसे हुआ है, हमने हमने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत रिसर्च की है, और ये स्पेशली जो ये वाला प्रोडक्ट है जो आर्कटिक सी है, ये इसका नाम ही आर्कटिक सी हमने क्यों रखा है, इसमें जबकि होता ओमेगा 3 और ओमेगा 9 होता है, पर इसका नाम आर्कटिक सी क्यों रखा है, क्योंकि ये जो ओमेगा 3 लिया है हमने वो आर्कटिक सी में जो फिश रहती है, जो ट्यूना है, मैकरल है, ठीक है ना, सार्डाइन है, ये इन फिश से हमने लिया है। और वहाँ पे जो ठंडे प्रदेश में रहती हैं, जो भी जहाँ पे टेम्परेचर करीब करीब कहते हैं कि -50 डिग्री से भी नीचे रहता है, उनकी वहाँ पे जो फिश है उसमें से लिया गया ओमेगा 3, ठीक है। तो ये ओमेगा 3 होता क्या चीज़ है, ओमेगा 3 देखा गया है कि ये ना एक फैटी एसिड्स होते हैं, पर ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, डॉक्टर्स तो इवन इसको बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स, इसेंशियल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, उस लेवल के अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो भी सेल होता है उसकी मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो ब्लड है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जो ओमेगा 3 है, जो ये जो फिश ऑयल है, जब इसका सेवन करते हैं तो ये ब्लड में जब जाता है तो ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको निकालता है, उनको फ्लश आउट करता है, उनको क्लियर करता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पे आर्टरीज थोड़ी बड़ी होती हैं, जो कि हमारे हार्ट के आसपास होती हैं, या अरोटा जो किडनी से रिलेटेड होती है, किडनी में बैठी होती हैं, वो जो इतनी मोटी रक्त धमनियाँ होती हैं, उन रक्त धमनियों में उनकी दीवारों में ये जमना शुरू हो जाते हैं, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो चिपचिपापन होता है, या उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है। तो इसके अंदर एक क्षमता देखी गई कि ये जब इसका सेवन करते हैं तो आस्ते आस्ते ब्लड में जो ये अल्सर फॉर्मेशन हो गया है, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से होता है, जो कि नॉर्मली LDL की वजह से होता है, उसको क्लियर करने में बहुत से रिजल्ट्स हैं। और ये हमने इसके साथ एक ऑलिव ऑयल भी मिलाया है जो ओमेगा 9 होता है उसमें। तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, परंतु ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हार्ट हेल्थ के लिए है, जहाँ भी छोटी नसें हैं, जहाँ भी अच्छी तरह जहाँ पे रक्त का संचार होना है, जैसे ब्रेन है, ये हमारी आईज हैं, ये हमारे जॉइंट्स हैं, उसके लिए ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर फाइबर्स। देखिए फाइबर्स खाना बहुत जरूरी है, हमारे शुरू से हमारे खान पान में दाल रहा, दाल भात बोलते हैं, तो दाल क्यों होता है, क्योंकि फाइबर्स होते हैं, हमारी जितनी भी दालें हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स जो है ना हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे एक तरीके से फ्लश आउट करने के लिए, एक चिपचिपापन चिकनाई पैदा करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो हमने इसको एक तरीके से क्विक डिजॉल्विंग, एक तरीके से हमने स्टिक्स बनाई हैं, जो कि कन्वेंट स्टिक्स हैं, जिसको आप पानी में मिला के घोल के, और नॉर्मली क्या होता है कि आप इसमें थोड़ा हनी डाल दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे मिला के आप पी सकते हैं, आप खाने के ऊपर भी डाल सकते हैं, चावल के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं इसको, ठीक है ना, आप जो है किसी भी चीज़ में मिला के ऊपर बेवरेजेस में मिला के खा सकते हैं। परंतु ये इतने ज़्यादा मात्रा में इसमें फाइबर्स हैं नेचुरल तरीके से,
ठीक है ना, करीब 5 तरीके के हमने इसमें, 4 तरीके के जो फाइबर्स मिलाए हैं हमने, वो इतने ज्यादा फाइबर हैं जैसे कि आपने एक कटोरी चावल ली और उस कटोरी चावल में जितने फाइबर मिलने चाहिए थे वो चावल आपको एक स्टिक में मिल जाते हैं। या आपने मान लो एक ब्रेड खा रहे हैं, एक फाइबर की ब्रेड खा रहे हैं, एक व्हीट की ब्रेड खा रहे हैं, आपकी 1.5 ब्रेड के बराबर के फाइबर्स जो हैं आपको ये 5 ग्राम की स्टिक में मिल जाते हैं। तो ये वेट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा साधन भी है कि आप ब्रेड ना खा के या आपने चावल ना खा के अगर आपने इतने 5 ग्राम के एक स्टिक भी ले लिया है तो आपको उस क्वांटिटी के फाइबर्स आपके शरीर में चले जाएंगे। नाउ एक्टिव एच, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने स्पेशली इसके ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे मैंने। तो इसमें जो है ना हाइलुरोनिक एसिड जो है वो मिलाया गया है। एच ए का मतलब होता है हाइलुरोनिक एसिड। ये एसिड जो है ना ये एक प्रोटीन की तरह होता है बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी अपने आप बनाती है इस एसिड को, ठीक है ना, हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। ये एक तरीके से बड़ा चिपचिपा सा होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक फंक्शनिंग होती है जो कि बहुत एक नेचुरल होता है, एक प्राकृतिक तरीके से होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रेशन देता है, स्किन को भी हाइड्रेशन देता है और जहाँ पे भी जॉइंट फंक्शनिंग है उसको हाइड्रेशन देता है। अब देखने वाली बात होती है कि कुछ टाइम के बाद ना इसका फॉर्मेशन जो है ना वो खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर। अब ये हाइलुरोनिक एसिड जो है कि इसमें एक हाइलुरोनैन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हाइलुरोनैन बोला जाता है। ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए अच्छा है, इवन आंखों के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे हमारी नमी रहनी चाहिए, आंखें जो है वो नमी रहनी चाहिए। आपने देखा बहुत से लोगों की जो है वो आंखें जो है बड़ी ड्राई सी आंखें रहती हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको आंसू ही नहीं आते, ठीक है ना। तो ये जो कैसे करता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज में, आंखों में या हमारी स्किन में जो वाटर है या जिसको बोलेंगे मॉइस्चर लेवल है या मॉइस्ट, उसको बना के रखता है, लुब्रिकेटेड बना के रखता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार जो मेडिकल साइंस भी कई बार जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है तो एच ए के इंजेक्शंस भी देती है। और ये क्या होता है कि इसमें जो एच ए है, हाइलुरोनिक एसिड जो है, उसको बॉडी के अंदर कई बार देने में एक चैलेंज किया था कि ये ना इसको हमारा डाइजेशन सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब आप कभी बॉडी के अंदर बाहर से अगर आप हाइलुरोनिक एसिड दे रहे हो तो वो पचा नहीं पाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारी, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा है, तो हमारा एक फार्मूला है जिसका INJU के नाम से है, वो रजिस्टर्ड फार्मूला है हमारा। वो हमने ऐसा फार्मूला बनाया कि जब हम इसको सॉफ्ट जेल में लेते हैं, एच ए को सॉफ्ट जेल में लेते हैं, तो ये डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये हमारी रिसर्च है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बहुत सी जैसे हमारी अल्फा इफेक्टर है उसमें भी हमने मिलाया, एच ए मिलाया, ठीक है ना। तो स्किन के लिए अच्छा है, परंतु मेनली इसको जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारी जॉइंट फंक्शनिंग के लिए। अब क्या होता है कि एज के बाद ना ये एच ए हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बनना बंद हो जाता है, तो हमारी जो है हड्डी से हड्डी टकराना शुरू कर देती है, बीच में जो लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, उसमें जो है चिकनाई जो रहनी चाहिए वो चिकनाई नहीं रह पाती है। तो इस तरीके से जो है इसको जब इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट जेल है, आप 2 ले सकते हैं सुबह और शाम को, तो ये जो चिकनाई जब आपकी बनती है तो आपको एक राहत मिलती है अपने जॉइंट पेन से। फॉरएवर आरजी प्लस, दोस्तों ये बड़ा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है, इसको ये एक तरीके से एक मिरेकुलस प्रोडक्ट है। साइंटिस्ट लोग मिरेकल वर्ड नहीं बोलते थे, उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया तो उन्होंने मिरेकल बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फरीद मुराद, उन्होंने 6 साल रिसर्च की, उन्होंने एक ही अमीनो एसिड, हमारी जैसे मैंने आपको बताया कि 22 अमीनो एसिड होते हैं, एक अमीनो एसिड के ऊपर रिसर्च की जिसका नाम था L-arginine, ठीक है ना। उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट किए, बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनका रिजल्ट ये आया कि उनको इस रिसर्च के ऊपर, इस थीसिस के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना, मेडिसिन के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला। तो कहने का मतलब है कि इस लेवल का प्रोडक्ट है जो कि जो प्रोडक्ट नोबेल प्राइज दिला चुका है। तो ये हमने जो है ना, हमने क्या किया, जब हमने ये फार्मूला लिया तो क्योंकि हमारी कंपनी जो है शुद्ध प्रतिशत एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो हमने इसको ना 100% फ्रूट ब्लेंड किया है इसमें, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पावर मिलाई है।
इसमें अगर मैं देखूं आपको बताऊं तो इसमें जो हमने सारी बेरीज मिलाई है, इसमें एल्डर बेरी है, इसमें रेस्पबेरी है, इसमें ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, इनके जो जूस है उसका पाउडर मिला के हमने किया है। इसमें ब्लैक करंट है, इसमें जो एल्डर बेरी है, फिर इसमें हमने ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट मिलाया है, रेड ग्रेप एक्सट्रैक्ट मिलाया है, और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें जो बेस है, इसका मेन बेस है वो है पोमग्रेनेट। परंतु इसके साथ साथ जैसे कि हमने इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए हैं, विटामिन D3 है इसमें, विटामिन सी है, विटामिन K2 है, B6 है, B12 है, और फॉलेट्स हैं, फॉलिक एसिड्स। ये हमने सारे जो मिलाए हैं वो फ्रूट बेस से मिला है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा जस्ट बियर विद मी, आई विल टेक लिटिल मोर टाइम टू एक्सप्लेन दिस। तो ये जो है ना, ये देखा गया कि इसको एक प्रोडक्ट कहा गया जिसको एंटी एजिंग प्रोडक्ट कहा गया। मतलब ये मिरेकुलस प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये कई जगह काम करता है, बॉडी के अंदर कई जगह काम करता है। ये जो है आपका, इसमें मेन क्या है कि ये देखा गया जो रिसर्च डॉक्टर की थी, डॉक्टर फरीद मुराद की, वो ये है कि जब ये आपने एल आर्जिनिन लिया किसी बेस पे, जैसे हमने फ्रूट बेस में बनाया, बहुत सी कंपनियां जिन्होंने केमिकल बेस में बनाया, टेबलेट फॉर्म में भी है, ठीक है ना, परंतु हमने जो फ्रूट बेस में बनाया, जब ये इसका सेवन करते हैं तो ये इमीडिएटली जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर बन जाता है एक तरीके से। ये नाइट्रिक ऑक्साइड की तरह काम करता है। ये एल आर्जिनिन जो है वो एक मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जो है एक मॉलिक्यूल है, उसकी तरह ये काम करना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने टीवी में कई बार कार की रेस देखी होगी, कारें जो है फॉर्मूला 1 जो कारें होती हैं, ठीक है ना, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलाते हैं, तो क्या यूज करते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड में गाड़ी चला के उसकी स्पीड एकदम बढ़ा देते हैं। तो ये फॉर्मूला जब काम करता है, जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ये तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। परंतु अब आपको लगेगा कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया इसने या कैसे कर दिया। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो दिखाओगे तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कि एक मिनट के लिए सिर्फ अगर पॉसिबल है तो। जो हमारा रक्त संचार है, हमारी जो रक्त धमनियां हैं, वो उस टाइम के बाद उसमें एक कड़कपन आना शुरू हो जाता है, उसमें एक स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें फर्क होना शुरू हो जाता है। तो वो ब्लड फ्लो तो चल ही रहा है, हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, नसें चल रही हैं, वो भी उनके अंदर भी एक तरीके से उनको भी फैट होता है उनके अंदर भी, जो कि वो नसें मजबूत रहती हैं, ब्लड फ्लो चलता रहता है। परंतु अंदर से जो है ना, उसके अंदर अंदर से जो सेल फॉर्मेशन है, जो एक तरीके से सेल फॉर्मेशन जो है वो जब बनना शुरू हो जाता है, तो उसका जो रास्ता है वो अंदर से कम होना शुरू हो जाता है किसी भी नस का। तो ये एल आर्जिनिन कैसे काम करता है कि जो अंदर जो नस बाहर से नहीं होती, परंतु अंदर से जो है नस में जितने भी रुकावट आ गई हैं, जो सेल फॉर्मेशन हो गए हैं, उनको वो दीवार तक ले आता है, कोने तक ले आता है। और इस तरीके से क्या है कि वो नस में ज्यादा जगह बना देता है उसी ब्लड फ्लो को जाने का। तो ये देखा गया है जब उसी रास्ता ज्यादा मिल जाता है ब्लड को जाने का, तो ब्लड में प्रेशर कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर जो है लोगों का ठीक होना शुरू हुआ। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये जो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपको देता है। तो आप मेरी बात समझ गए ना कि ये जो आपकी आर्टरीज हैं, जितनी भी आर्टरीज, चाहे वो सिर से लेके नीचे तक, बहुत छोटी आर्टरीज भी हैं, उनके अंदर की जगह जो ब्लड के लिए जानी चाहिए थी, उस जगह के रास्ते को बड़ा बना देता है, और ये काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। परंतु इसके अगर मैं फायदे गिनाऊं तो ये काम करता है आपके, ये ब्रेन फंक्शन में काम करता है, बहुत छोटी नसें जो है उसको, जो ब्लड में हमारे ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जब ब्लड बहुत अच्छी मात्रा में उधर जाता है तो ये ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा जाता है और इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जाते हैं वहां पे। ये क्या करता है, उससे क्या फर्क पड़ा इसके खाने से, लोगों की मेमोरी इंप्रूव हुई है, या कॉग्निटिव फंक्शंस जिसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो रिटेंशन पावर है, या मान लो कोई इंफॉर्मेशन है ज्यादा टाइम तक रखनी है, या नॉलेज है, ठीक है ना, तो उसमें ब्रेन अच्छी तरह काम करना शुरू किया है। ये जो है एंटी एजिंग सप्लीमेंट है, ये क्या करता है कि ये बॉडी के अंदर, स्पेशली मेन के अंदर, एक एंटी एजिंग हार्मोन्स बनाने में हेल्प किया इसने। ये सेलुलर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ये सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जब हेल्दी रहेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, और ये जो मेल सेक्सुअल फंक्शंस जो हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। ये देखा गया है कि जैसे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो जो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसमें भी एक अच्छे खासे
सिस्टम में ब्लड फ्लो बहुत जरूरी है। तो जब वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा जाता है तो मेन का जो एक पावर है उसको बढ़ने में काफी अच्छा हुआ है। ये जो है स्टेमिना बढ़ाता है, बहुत अच्छा स्टेमिना है। अब ये स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स मैन है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। आपने देखा होगा कि 2018 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो फ्रांस की टीम जो है उसने एक किसी ने फोटो शेयर किया था कि फ्रांस की जो टीम है उसको एल आर्जिनिन केले भी बांटे जा रहे थे, ड्रिंक्स भी दिया जा रहा था और साथ में एल आर्जिनिन भी दिया जा रहा था। यहाँ पे एक बात साबित होती है जो कई बार लोग पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट क्या टेस्टेड हैं, आपके प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट हैं, आपके प्रोडक्ट का कुछ ऐसी चीजें कई बार पूछते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने 2018 में वो पिक्चर देखी कि फ्रांस की जो टीम है जो वर्ल्ड कप उठाने वाली टीम है, ठीक है ना, मतलब वर्ल्ड कप कई बार उठा चुकी है वो टीम, उस लेवल की टीम का जो उनके जो डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आरजी प्लस लो। तो जब ये प्रोडक्ट हमारा वहां गया होगा तो इसकी टेस्टिंग कितनी हुई होगी। आजकल किसी भी खिलाड़ी को कोई भी प्रोडक्ट थोड़ी खिलाया जा सकता है, डोपिंग होती है, बहुत कुछ होती है, देखा जाता है कितना नेचुरल है, कोई सिंथेटिक चीज तो नहीं है जिससे उसकी एनर्जी एकदम बूस्ट हो जा रही है। तो दोस्तों इस लेवल का ये प्रोडक्ट है। इसमें जो है और अगर देखा जाए तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये एथलीट्स के लिए तो वरदान है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये मेरे ख्याल प्रोडक्ट राजीव जी हो गए हैं आज के, थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ,